हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान। आई होप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम सॉरी, बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहा हूँ। और मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा पतला लग रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मेहनत हो रही है, डाइटिंग छोटी छप हो रही है और काफ़ी लोगों ने बोला कि पतला हो गया हूँ। तो आप बताइए, क्या आपको पहले से कुछ पतला लग रहा हूँ बॉडी से, चेहरे से? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल कोई मुझे पतला हो गया ऐसा कुछ बोलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज की जो वीडियो है उसकी बात करें तो इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम पहले आई थी, पर सॉरी थोड़ा देर हो गया। ये एक मार्शल आर्ट वीडियो है, इसका नाम है पुकोक नाओवा ऑफिशियल वीडियो चैप्टर 1 मणिपुर। पुकोक नाओवा इज़ अ म्यूज़िक वीडियो एंड अ फाइट कंपाइलेशन वीडियो प्रोड्यूस बाय केंगली मार्शल ट्रिक्स। और कैसे सिनेमाटोग्राफी है डेविड सोयबाम, एलेक्स गुरु मयम, फॉक वोकल है अजोय केशम, पीना है दोना नगेरंगम, म्यूजिक कंपोजर है सत्यजीत अथोकपम, एरियल सिनेमाटोग्राफी है ऋषि वाई एंड बिशो, और एडिशनल सिनेमाटोग्राफी है अजन कॉन्गबम, लिरिक्स है गोशे मितय, कोरस वोकल है विकास असीम, एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग है सपम रतन, एंड पोस्ट प्रोडक्शन है स्टूडियो डोमिनेंस आर्टिस्ट। ओके, तो ये मोटी मोटी इन्फो है इसके बारे में। माफ़ करना अगर मैं किसी का भी नाम मैंने गलत लिया हो, तो आप देखते हैं कैसी है फाइट वीडियो, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 कैंगले मार्शल ट्रिक्स नहीं। अच्छी जगह यार। काश मैं भी ये सब कर पाता यार। क्या बात है, गर्दन से घुमा रहा है यार। जो हवा में से कूद लेते हैं ना यार, कमाल लगता है। मन तो करता है शायद मैं भी सीखूं, पर इतना फिट नहीं हूं मैं। ये शॉर्ट बोल सर,
से लेकर भाई ठीक पैकेज चाहिए होगी ना उनको, मतलब पैकेज के बाद ये सब सीख पाएंगे। डेंजरस ब्यूटी, इनको कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता होगा। दो तलवारें, इनकी कलाइयाँ बहुत मजबूत होंगी। क्या बात, अभी मुझे भी सिखा दिया सर।
भाई प्यार कितने मजबूत होंगे आगे के। ट्रिगर ये थी वीडियो। सही में यार काफ़ी अच्छे मूव्स थे यार, कितने फिट लोग हैं। और ये जो हवा में उड़ उड़ के ये कर लेते हैं ना, ये हमारे जैसे लोगों के लिए तो सब ये लग्जरी है और सपने ही हैं। इतने फिट तो मैं ज़िंदगी में नहीं बन पाऊँगा, और ट्रेनिंग देने वाला भी होना चाहिए ना। तो सही में मैं लाइफ में कोई मौका मिला और कुछ सिखाना चैनल के लिए रेडी हुआ तो मैं सीखना चाहूँगा, फिर हो चाहे ना हो पर ट्राई करना चाहूँगा। बाकी वो जो बीच में एक लेडी आई थी जो दोनों तलवारें चला रही थी, वो कमाल था यार सही में, मतलब डेंजरस ब्यूटी सही में। उनसे कोई पंगा लेने की सोचता नहीं होगा उनकी। मैंने एक बार अपने हाथ में ली थी एक तलवार ली थी यहाँ पर ना पंजाब में, रैली निकलती हैं जो सिख धर्म के जो होते हैं गुरु होते हैं, तो उनका कुछ होता है मतलब उनके अगर बर्थडे होता है या फिर जिस दिन ज्योति जोत समाए थे यानी इस दुनिया से गए थे, तो यहाँ पर पंजाब में निकलती है रैली, तब तलवारें वगैरह लोग लेके उसे नगर कीर्तन बोलते हैं, तो वो यहाँ निकलता है। उसमें जो पंजाबी जो सिख जो मार्शल आर्ट है वो जो होते हैं सिख होते हैं वो शो करते हैं तलवार वगैरह चला के। तो ऐसी एक बार तलवार मैंने अपने हाथ में ली थी, वो बहुत भारी थी, वो जहाँ से मूव किया था मैं कलाई में थोड़ी सी लचक आ गई थी। तो और उन लेडी ने दो दो तलवारें इतनी आराम से मूव कर रही थी, वो तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई उनको, तो कमाल था वो। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा वो फाइटिंग टेक्निक्स इनकी अपनी। और इंडिया में बहुत जगह पर ना फेमस है, मतलब यह है कि जैसे आप साउथ में जाओगे तो साउथ का अपना एक फाइटिंग टेक्निक है उनकी, फाइटिंग स्टाइल है उनका, तो उन क्या बोलते हैं सो एक मूवी में देखा था, वो टाइगर श्रॉफ की मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी यार नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, दो तीन सिक्वल बने उस मूवी के, तो उसमें था। और पता नहीं मुझे ठीक से पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर कहते हैं कि इंडिया से ही मार्शल आर्ट जो है वो चाइना में गया है। तो इंडिया में बहुत जगह पे है फाइटिंग टेक्निक ना, साउथ में अपनी है, वेस्ट में अपनी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी है अपनी, और एक झलक मैंने देख ली, काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। ऐसी वीडियो मुझे रिकमेंड करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय और टेक केयर।